नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को बहुवीर्य समास की परिभाषा और उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण तथा बहुवीर्य समास के समस्त पद और समास विग्रह बताएं। सबसे पहले देखते हैं बहुवीर्य समास की परिभाषा। जिस पद में उसके दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात जो समस्त पद होता है उसमें दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और उनमें उन पदों में से भिन्न किसी और का अर्थ का बोध होता है और उनका जो समास विग्रह होता है उससे दूसरे अर्थ का बोध होता है। जैसे कुछ उदाहरण की सहायता से इसे समझते हैं। समस्त पद और समास विग्रह। दशानन, दशानन का समास विग्रह होगा दस हैं आनन जिसके, दशानन का समास विग्रह दस हैं आनन जिसके, अर्थात रावण, अर्थात जिसके दस मुख हैं उसे क्या कहते हैं, रावण, क्या कहते हैं, रावण। नीलकंठ, नीलकंठ का समास विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका, कैसा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कैसा, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु जी। गजानन, गज के समान आनन, अर्थात गणेश जी, गज के समान आनन, अर्थात गणेश जी। पीतांबर धारी, पीतांबर धारी, पीत अंबर धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसकी, चार भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर, चंद्रमा है शिखर पर, अर्थात शंकर जी। मंद बुद्धि का समास विग्रह होगा मंद है बुद्धि जिसकी, मंद है बुद्धि जिसकी, अर्थात मूर्ख। सुशील का समास विग्रह होगा सुष्ठी, सुष्ठु, सुष्ठु है शील जिसका, सुष्ठु है शील जिसका, अर्थात चरित्रवान। महात्मा का समास विग्रह होगा महान है आत्मा जिसकी, अर्थात महापुरुष। तो हे गाइस, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।